कोशिश करेंगे लगातार कि इस बार भी फाइनल मैच हमारे नाम हो। और पहला रेड होता है माला कर से देखते हैं क्योंकि दूर है गाय का खेल चल रहा है करो और मारो क्योंकि किसी को करना है दोनों को करना है मरने के लिए कोई नहीं चाहता है करो करो का खेल है। और मैं इसे क्रिकेट की भाषा में कहूँ तो वहाँ भी दूर गाय होता है बहुत ही अच्छा सतर्कता से होशियारी से खेलते हुए दोनों की किसी ने अभी तक गलत शॉट अभी तक नहीं देखा और कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा जीरो बाय जीरो का स्कोर अभी चलता हुआ जीरो बाय जीरो दोनों की हेलो जी बिल्कुल दोनों टीम आगे आता है वो भी सुन रहा है सदन का दुपाई नया परफॉर्मेंस दिखाते हैं वो चाल चाल बल्लेबाज की टीम जिनको दो पॉइंट हासिल हुआ तो सुंदर जवाबी हमला ये बहुत ही जबरदस्त क्वार्टर हुआ यहाँ पर डॉक्टर साहब देखना ये है ये क्वार्टर माउंट जरा सा पहला सबसे शायद फायदा होता है लेकिन इन्होंने मिस्टेक कर दिया था नहीं तो वो पॉइंट शायद बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर लाने वाला क्वार्टर था খেলা হচ্ছে খেলা হচ্ছে খেলা হবে না খেলা হচ্ছে আর আর দেখি বহুত সুন্দর इस तरह से अगर वो चला में पैर बंद हो सकता है कि फिर फायदा हो और ये पैर बढ़ाते लगा लो तो सर बहुत सुंदर से आखिरकार उन्होंने अपना प्लान कर भी दिखाया बिल्कुल डॉक्टर साहब यहाँ पर हमारी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना जोड़े बाजुए कितना दम दोनों टीम में है ये तो सही आपने बोला दोनों अपना अपना फॉर्म में है एक कैसा फॉर्म साबित करेंगे जो खेल है इसके बारे में जानना मुश्किल है कब फॉर्म बाजी होगा कहा जाए कि ये माला धीरे धीरे पिछड़ता हुआ इस मैच में बहुत ही अच्छा लाभ और एक पॉइंट का लगा पत्र हुआ माला ठीक है लेकिन अच्छा प्रदर्शन अभी देखने को मिला दोनों टीम की तरफ से जब भी किसी को मौका मिले वो मौका नहीं काटते और धीरे धीरे अभी माला दोनों को बराबर से आंकना होगा क्योंकि बहुत ही अच्छा कहा शेर की बात है देखते हैं कहा क्या कुछ कर पाते हैं कि नहीं आपके समय का इंतजार है 20 सेकंड के समय में कितना कुछ बहुत अच्छा लेकिन समय पूरा होते ही वापस अपने से बोले चाहे परिवार तब से देख करते हैं और दोनों ही चुकन्ना देखा जाए तो किसी को कम नहीं आंकना होगा क्योंकि दोनों फाइनल थे और ऐसा होता है कि कभी भी हमने क्रिकेट में देखा है कि फाइनल बहुत ही लो स्कोरिंग का होता है और बहुत दमदार मैच
देने का हक है। हो सकता है कि लो स्ट्रेंथ के मैच हो, बहुत ही कम मैच में कम पॉइंट में अगर हाथ हो, ये धड़कन का समय है, दिल की धड़कन का बहुत कमाल आप लोग क्या मारे बहुत अच्छा बहुत ही सुंदर डॉक्टर साहब दोनों ही टाइगर आपस में ये सोच विचार कर रहे हैं कि एक जंगल में एक ही टाइगर रहना पड़ता है, इसलिए कौन बनना चाहते हैं। देखिए जवाबी जो कार्रवाई है बहुत सुंदर तरीके से दे रहे हैं दोनों पे, लेकिन एक मुकना जाए किसी जंगल में एक टाइगर हो तो वो टाइगर नहीं होता, लड़ाई किससे करेगा। आप ही दोनों टाइगर है, दोनों आपस में भिड़ंत है, होगी तो किसी ने जगह पर जंगल में उतर जाएगा। बिल्कुल सबके दिल में धड़कन सा हो गया है, लोग बिल्कुल शांत भाव से खेल का लुत्फ उठा रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी के दिल में कौन जीतेगा कौन हारेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, सभी के दिलों में असमंजस सा हो गया है कि दोनों का जो प्रहार है लगातार बराबर जा रहा है, बहुत ही बराबरी का अभी चल रहा है, दोनों में कांटे का टक्कर है, लेकिन फिर भी दोनों अपने अपने को टक्कर देते हुए और किस तरह से लग रहा है ये जख्मी शेर है, जख्म से भरा हुआ शेर, लेकिन मारना होगा अच्छा दहा देते हैं। डॉक्टर साहब मैं बताना चाहूंगा लोग ये दो टीम जो है, ये दो टीम का जो स्टेज देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि इनका जो टीचर एक ही होना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि दोनों अनुभवी है, दोनों इस खेल से प्रेरित है, तो अभी बात एक करने जा रहा है अंपायर का डिसीजन, और सजीबुल हसन जो स्टेट में है बहुत ही सुंदर, उनको बहुत अच्छा रहा। और देखा जाए बारवा काल धीरे धीरे आए बहुत ही अच्छा कौन पेश किया जाए, और मैंने देखा है जितना उछल रहे थे उसका जवाब उसे उतना ही मिला, और धीरे धीरे अगर इसका मनोरंजन आपने आज नहीं लिया, हमें अनुमान है 365 दिन आप जरूर बैकग्राउंड में चले जाएंगे, तो देखते शुरू भी हो चुका है और देखा जाए ताल पंगरवा कैसे वापसी करता है इस दौर में, कहा लगा रहे हैं ताल पंगरवा और बहुत ही सुंदर यहाँ पर चल करके जो अपना स्टेप दिखा रहे हैं बहुत बढ़िया, और रहीम जो 5 नंबर का जर्सी है बहुत ही शुद्ध मुख के साथ अपना स्टेप मारते हैं, लेकिन वो भी कुछ काम नहीं, खाली हाथ वापस आना पड़ा।
और देखिए लोग दर्शक हमारे बिल्कुल शांत भाव से शांति का माहौल यही दर्शाता है कि लोगों के दिलों में धड़कन और ये धड़कन शायद बहुत ही अच्छा बहुत ही सुंदर और बोल लोगे तो करे जी बिल्कुल दर्शकों के दिलों में जो असमंजस है साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, वो दिशा नहीं कर पा रहे हैं कि कौन टीम जीतेगा। सभी लोग दोनों खिलाड़ियों के ऊपर दोनों टीमों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करके अपना निगाहें एक पल भी गड़बड़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही बारीकी से इन लोगों का जो प्रदर्शन जो है दोनों टीमों का देख रहे हैं। लेकिन मेरा जो अनुभव है कि मेरा दिली अनुभव है कि एक टीम जीतेगा, जो बढ़िया खेलेगा वो जीतेगा। जी बिल्कुल ये तो बात सही है, जो बढ़िया खेलेगा वो जीतेगा, लेकिन जीतेगा कौन? जीतेगा वही जो अच्छा खेलेगा। मैं तो वही बात आपको बता रहा हूँ। धन्यवाद आपका साहब, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। तो हम लोगों का जो आवाज है दोनों खिलाड़ियों के कानों तक जरूर पहुंच रही होगी कि हम अच्छा खेले, वो भी कह रहा है कि हम अच्छा खेले, क्योंकि हम किसी टीम हम अच्छे खेल के पक्ष में है और हमारी दोनों हमारे मेहमान टीम है, हम अपनी मेहमानी कर रहे हैं, तो हमारे दोनों के दिल में दोनों टीमों के प्रति हमारे दिल में सहानुभूति है और प्यार है और बहुत ही अच्छा है, सुंदर। ये पहला झटका इतना सुंदर बनवा के पास वापसी करते हुए, अगर सिर्फ वापसी करेंगे तो शायद उनके लिए मौका बन सकता है क्योंकि अभी बहुत समय बाकी है। और देखा जाए लंबे काम के नहीं कर पाए जा अभी भी कसम कस है, खास अंतर में नहीं है दोनों टीम, लेकिन बहुत ही अच्छा है, काफी दूर से और बहुत ही अच्छा है, अच्छी अंपायर मैं तो रुक और मालदा अभी भी आगे चलता हुआ बदलवा से, लेकिन अगर समय लंबा है और लंबे समय भी अच्छा, लेकिन देखते हैं क्या घटना घटता है, लग रहा है कुछ होगा। मैं बोल रहा था घटना घटेगा और घटना थोड़ा सा तो घटना हो ही गया और धीरे धीरे चार मारवा वापसी करते हुए अभी भी मालूम होने की बात नहीं है। हमें दोनों टीमों पर बहुत गौरव है, माध्यान्तर के बाद पुनः फिर से प्रारंभ हुआ, बहुत सारे इसका काम जो बहुत ही सुंदर जो अपना पैसा दिखाते हुए Yeah.
और ताला तोड़ा माला के बहुत खुशी से लेकिन होशियारी अपना बहुत सुंदर अपने खाने के लिए इस तरह से मेरे रोमांच स्थिति भी पैदा हो रहा है रोमांच और देखा जाए तो अभी दान हम किसी पाइप में क्या साहब क्या कुछ मसला तो नहीं है या वही बात है कि हम किसी से कम रहे इस तरह से मादक कल से आगे लेकिन बराबरी करता हुआ की हो सकता है अपमान हो रहा है चोट लगा है क्योंकि आज के साथ जो फिल्मी स्टार है फिल्म में तो प्रभावित होते हैं या वास्तविक में बहुत सॉलिड पैर से प्रहार किया गया तो खिलाड़ियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि प्रफुल्ल के साथ अपना की इस्तेमाल करिएगा ऐसा अभिमान आप ऐसा ना करें सम्मान दिए आप लोग जागरूक खिलाड़ी हैं ये तो जो फिर क्या बच्चे होंगे वो चीज पूर्व इसके बाद बात होगा आपसे से बहुत अच्छा बहुत कितना सुंदर बहुत सुंदर बहुत अति सुंदर और एक पता है क्या कर रहा है मालूम है अब ये कुछ डिस्कस हो रहा था लेकिन फिर खेल वापसी आते हैं दोनों टीमें और इस तरह से कहा गया कि धड़कन का है धड़कन के लिए कुछ कुछ जाएगा लगाना लेकिन ये बहुत अच्छा चल रहा है कोई शोर शराबा नहीं लेकिन कहा दोनों तरफ से और आश्चर्य से जितना अच्छा परफॉर्म दोनों तरफ से हो रहा है देखने लायक है लेकिन मारा एक अच्छी स्थिति में अभी तक लेकिन खूब ज्यादा समय का गया कि बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर दोनों ही टीमों के खिलाड़ी बहुत ही चुस्त रूप के साथ अपना अपना स्टेज बजा रहे हैं अपना अपना पर्व अपना को आगे बढ़ा रहे हैं और दोनों तरफ से चलाते का टक्कर मारा जा रहा है बहुत ही सुंदर स्थिति में चला रहा है दोनों तरफ इसको लाओ कीजिएगा फाइनल मैच है मारा चौदह और बारह दस अंक पर है जवान है चार अंक तो काफी तेज चल रहा है
लेकिन बहुत ही अच्छा चले जाएगा जी। चार अंकों का अंतर है और इस तरह से अभी देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए खिलाड़ी और क्या हो सुंदर रहते हैं जी। बिल्कुल इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच अंतिम मैच है और 10 और 14 पर चल रहे हैं दोनों की बहुत ही कांटे का टक्कर है। और इस तरह से मैं हार्दिक पिछले महीने में देखा इसको पारा का प्रयोग चल रहा था लेकिन आज इसको रुका हुआ बिल्कुल रुका हुआ बिल्कुल चार दिन की जरूरत थी और ऐसे सुना बहुत ही अच्छा आता है जी फायदा कुछ नहीं उनका अच्छा रहा और उसे भी खेलते दोनों टीम के खिलाड़ी इस मैच में पड़ रहे हैं क्योंकि दोनों टीम अपना टारगेट को छूने का लक्ष्य छूने का सोच रहे हैं कि करें तो क्या और डॉक्टर साहब मैं बता देना चाहता हूं या खेल अंतिम चरण में है और एक पॉइंट मारा दो मारा पहुंचा इसको 15 मारा 15 10 हर्षित को बारह का 10 10 15 बकरना पाल 10 घुमा बकरना प्रदेश करना इंतज के युहाई इलाके में ओए क्वा पाल दे टाइम नहीं क्वा इस तरह का अगर ये फॉर्म दिखाने को इनसे बेहतर गाड़ी दोनों से साफ का हाथ है सुंदर अबे टाइम आउट ले कौन है हाँ 10-15 जिगर से भी बोले बात होती है और जोर दिखाना होगा अगर आप जोर नहीं दिखाएंगे तो मादा को कुछ और प्रसार पॉइंट जाने की जरूरत है लेकिन बाबा को पास पर किस तरह से जाना है वो अपने खेल से अपना लक्ष्य जरूर दिखाना है इसीलिए अब समय नहीं बचा है आपका जो नेचुरल गेम है जो नेचुरल गेम है खेलिए और इस नेचुरल गेम को नहीं खेलेंगे तो आप 10 पॉइंट पार नहीं कर पाइएगा 10 पॉइंट हुए हैं इसलिए 10+ के लिए आपको जरूरत है अपना नेचुरल गेम जो खेलते हैं खेलिए जी जान का ताबा कर लीजिए कि किस ढंग से आपको मैच में हावी होना है साहब यहाँ निश्चित तौर पर देखा जा रहा है करोड़ों करोड़ों का मैच हो रहा है धीरे धीरे टाइम समाप्त हो रहा है और यहाँ पर फायदा पड़ेगा जो बहुत फायदा बहुत देर से स्कोर रुका हुआ था लेकिन बगलवा के खिलाड़ी ने कर दिखाया एक अभी एक रन इतना महत्व है एक पॉइंट आपको कहा जाएगा तो बहुत फायदा बाकी का जो होता है बगलवा का स्कोर 11 पॉइंट और 15 मालदा 15 11-15 4 पॉइंट का फायदा हो सकता था खतरा इसमें लेकिन खतरा हो सकता था लेकिन बहुत अच्छा इस वक्त लेकिन कोई नुकसान
सभी लोग और इस तरह से तो बॉक्लेन करना और 11-16 पर स्कोर एक बचेगा